अपने साथ में एक मेरे क्वेश्चन भी ले लेना। एक मेरी जिज्ञासा है सर, जी जिज्ञासा ये है सर, मैंने अक्सर देखा है, बहुत सारी वीडियो देखता हूँ मैं, थाईलैंड की भी, श्रीलंका की भी, या जितने अपने बौद्ध विहार हैं या जो भी मीटिंग्स उनकी होती हैं, उसमें श्वेत वस्त्र पहनकर लोग भाग जाते हैं, तो उसका क्या वो है सर लॉजिक? यहाँ हमें जो योगेंद्र सर हैं उन्होंने एक सवाल पूछा है, वो सवाल बड़ा जायज और बड़ा अच्छा सवाल है। वो कहते हैं कि ये जो सफेद कपड़े हम पहने जाते हैं, इसका भारत में या इसका हमारे से क्या मतलब है, क्या नहीं है? क्योंकि ये जो श्वेत शब्द है, आपने अश्वेत पढ़ा होगा और श्वेता पढ़ा होगा। श्वेता और अश्वेत में श्य लगा हुआ है, श्य पाली में नहीं होता, श्वेत और अश्वेत बोलते हैं। आपने अगर असित ऋषि का नाम सुना हो, असित ऋषि जो बुद्ध, जो भगवान बुद्ध उनके धम्म में है, असित का मतलब है एक तरह से असहत, यानी कि काले काले, इसी काले वैज्ञानिक, बच्चों के काले डॉक्टर। तो श्वेत का मतलब होता है सफेद और अश्वेत का मतलब होता है जो सफेद नहीं है, यानी कि जो सफेद नहीं है उसको अश्वेत बोलते, किसी भी रंग का हो सकता है। तो पहले यहां पूरी दुनिया के अंदर और भारत के अंदर भी कपड़ा नहीं बना था। जब कपड़ा नहीं बना था तो कपड़ा पहनते भी नहीं थे, तो शरीर को ढकने के लिए छाल होती थी, पत्ते होते थे, और उसके बाद में जो जानवर है उनकी खाल होती थी। जिसके पास जानवर की खाल होती थी पहनने के लिए, वो बड़ा रिच माना जाता था, बड़ा बहुत ज्यादा बढ़िया माना जाता था। क्योंकि जो शेर का शिकार करके लाएगा वो शेर की खाल पहनेगा, जो भेड़िए का शिकार करके लाएगा भेड़िए खाल पहनेगा, वो ना तो गाय भैंस की खाल तो मिली जाती थी उनको पहन लो। तो खाल बहुत कीमती होती थी, और जिसके पास जितनी ज्यादा खाल वो उतना बड़ा आदमी बड़ा और उतना ज्यादा रिच। तो खाल पहनने का था। आपने देखा होगा पुराने फोटो में कुछ लोग खाल पहन लेते हैं और खाल को बिछा भी लेते हैं। और बुद्ध के ऐसे मैंने लेह और लद्दाख के अंदर फोटो देखे हैं, जहां जो बुद्ध जैसी अवस्था में जो विपस्ना साधना कर रहे हैं, उन्होंने खाल पहनकर और खाल के ऊपर विपस्ना साधना कर रहे हैं, जो साधना करते हैं। तो खाल के बाद में फिर यहाँ कपड़ा बनना शुरू हुआ। कपड़ा बनना शुरू हुआ तो सूत से बनना शुरू हुआ, जो कपास है, और रेशम से बनना शुरू हुआ। बुद्ध के समय तक कपड़ा अच्छी तरह से लोग बनाना सीख गए थे, और कपड़े का व्यापार होता था, और कपड़ा बाहर भी जा जाता था और कपड़े को पहनते थे। हालांकि कपड़ा बड़ा प्रीशस था, तो कपड़ा उससे कपास से बनता था तो सारा सफेद ही बनता था, कपड़ा रंगीन नहीं होता था। मगर बुद्ध ने कपड़े को रंगना सिखाया लोगों को, और जो भिक्खु थे उनको बाकायदा कपड़े की रंगने की ट्रेनिंग दी गई। वो फूल पत्तियों से, छाल से, खाल से, जो प्राकृतिक चीजें मिलती थी उनसे वो कपड़े को रंगते थे। तो उनके चीवर रंगीन मिलते थे, जिनको कासाय वर्त बोलते थे, और कासाय जो वस्त्र थे यानी कासाय रंग के उनको बोला करते थे। काशी में रहने वालों को कासाय बोलते थे, कि काशी में रहने वाले ऐसे वस्त्र हैं, क्योंकि वो काशी से वहां से आए तो वहीं से चीवर लाए होंगे। तो वो जो रंग था, वो रंग चीवर का रंग हुआ, जिसको बाद में भगवा करके बोला गया। मगर जो उपासक और उपासिका यानी जो साधारण लोग थे, वो नहीं रंगते थे। क्यों फालतू में रंगने का काम करें? तो उनका कपड़ा सफेद रहता था। तो जब हमारा सन्निपात बाहुल होता था बुद्ध से पहले, तो सन्निपात बाहुल में सबका कपड़े का रंग सफेद ही होता था, और वो जो पहनते थे उनके पास जो होता था वो अंग पोछा या अंग अंगोछा या अंग पुछना या अंग पुछनी, यानी उसको जिसको अंगोछा बोलते हैं, अंग पुछना या अंग पुछनी या अंग पुछा या अंगोछा करके बोला करते थे, या अंग रखा भी बोलते हैं कुछ लोग, वो होता था एक कपड़ा। और नीचे अधोवस्त्र होता था। अधोवस्त्र का मतलब है चेस्ट से नीचे, पेट से नीचे का वस्त्र। अधो माने नीचे होता है, वस्त्र माने। तो वो एक नीचे कपड़ा पहनते थे जिसको धोती बोल सकते हैं, और एक अंगोछा डालते थे, और बाकी शरीर उनका मोस्टली नंगा रह जाता था ठंड को छोड़कर। ये परंपरा थी। और खुशी के समय वो अपने अंगोछों को आसमान में उड़ाया करते थे, बिखेरा करते थे, तो उनके सफेद होते थे। तो हमारे जो सन्निपात बाहुल है पूरे देश के अंदर, खासतौर से जो नॉर्थ भारत या जो साउथ है उसके अंदर, सब सफेद कपड़ा होता था, और वो सफेद कपड़ा आज भी लोग पहनते हैं। उस सफेद कपड़े की खास बात यह है कि अगर आप सफेद कपड़ा पहनते हैं तो उसमें शांति है, उसमें सुरक्षा है, उसमें एक पॉजिटिविटी है, और उसमें सुख शांति है। इसलिए सेनाओं ने भी बाद में जो शांति का कपड़ा है वो सफेद लिया। अगर आप सफेद झंडा लेके आ जाते हैं तो इसका मतलब कि युद्ध खत्म और शांति स्थापित हो गई, ये लड़ना नहीं चाहता, सरेंडर हो गया। तो जो सफेद है वो पूरी दुनिया में माना जाता है। जो कंट्री है, बाहर के कंट्री है, खासतौर से जो यूरोपियन लोग हैं, वो लोग अपने काले कपड़े पहनते थे अपने शोक के समय। जब उनको शोक मनाना होता था तो काले कपड़े पहनते थे। मगर भारत में शोक को बुरा नहीं माना जाता, क्योंकि बुद्ध ने जो हमें ट्रेडिशन सिखाया है उसमें जब कुछ कोई मृत्यु होती है या कोई शोक का समय होता है, तो यहाँ शोक और अशोक दोनों एक ही बात माने जाते हैं।
या मरने पे भी सफेद पहने जाते हैं और जीने पे भी सफेद पहने जाते हैं, यानी कि खुशी का क्षण है तो भी सफेद और कोई दुख का क्षण है तो भी सफेद। मगर बाद में यहाँ कल्चर चूंकि बाहर से आई तो उन्होंने हमारे इस सफेद कपड़े को, खासतौर से महिलाओं के सफेद कपड़े को, ये कह दिया कि ये विधवाओं के कपड़े हैं। दरअसल वो सारी की सारी नारियां और सारे सारे नरी सफेद पहना करते थे, मगर वो जो विधवा महिलाएं थी वो धम्म को बहुत पढ़ाती लिखाती थी, इसलिए उनको हेट की दृष्टि से, घृणा की दृष्टि से देखा जाने लगा और उनकी शादियां या उनका जो कुछ सिस्टम है उसको बंद कराया गया। तो सफेद साड़ी, सफेद कपड़ा यहाँ एक विधवा का प्रतीक बना दिया गया और औरतों में नफरत की भावना भर दी गई कि सफेद का मतलब विधवा होना है, और उसको सफेद अच्छे खासे हमारे शांति के कलर को, रंग को, जो नेचुरल ट्रेडिशनल परंपरा बन चुका है हमारा, उसको उन्होंने यहाँ बंद कर दिया और वो सफेद सारा सारा कपड़ा बंद हो गया। मगर बौद्ध जितने भी लोग हैं जब भिक्खु आया करते थे तो सारे सारे जितने भी सम्मेलन में बैठते थे, सन्निपात बाहुल करते थे, तो सफेद कपड़ों में बैठते थे। इसलिए पुरानी परंपरा के तहत में जो बाहर जहां भी धम्म है वहां जितने भी उपासक उपासिका हैं वो सफेद कपड़े पहनते हैं और भारत के अंदर भी सारे सफेद कपड़े पहनते हैं। तो सफेद कपड़े हमारी एकता का, सफेद कपड़े हमारे ट्रेडिशन का, हमारा ड्रेस कोड और हमारी प्राचीन परंपरा और समणों का सफेद हमारा एक सिंबल है, इसलिए इसको अधिकतर लोग सफेद पहनते हैं। और सफेद कलर सबसे ज्यादा बौद्धों का है, उनका माना जाता है, इसलिए सफेद कलर सारे सारे आज भी पहनते हैं। ये आपके सफेद कलर का है। वैसे योगेंद्र सर, 2 तारीख को भाई मैं तो सफेद ही कपड़े पहन के जाऊंगा, मैंने ड्रेस बनवा रखी है, बाकी आप देख लेना आपको कौन सी पहनी है, बाकी छूट तो सबकी है, मगर मैं तो सफेद ही पहनता हूँ क्योंकि मुझे तो सफेद अच्छा लगता है। धन्यवाद। नहीं सर, एक सफेद ही पहनेंगे, सफेद वस्त्र बनवाने पड़ेंगे सर, सफेद पहन के चलेंगे। सर सुधीराज सर, जी सर, हम तो महाराष्ट्र में हर प्रोग्राम में सफेद कपड़े ही पहनते हैं और हम नागपुर वाले और महाराष्ट्र वालों ने डिसाइड किया है कि सफेद कपड़े पहन के आएंगे 2 अप्रैल को। अच्छा सर, सर पुरानी पहन कर आएंगे, पुरानी समझ परंपरा है हमारी, सब सफेद पहन के आएंगे। सभी को, सभी को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जबरदस्त, अपना माइक खोलिए सर, हम भी सफेद ही पहनेंगे सर, मैंने तो अब भी सफेद पहन रखे हैं। नागपुर के प्रोग्राम में सफेद कपड़े पहन के आते तो बहुत अच्छा होगा। वैसे भी काले कलूटे लोग ज्यादा सफेद पहनते थे। काले कलूटे थे हम पहले। वेल बिगन इज हाफ डन, तो आपने तो शुरुआत ही कर दी, तो आपका आधा काम तो ऑलरेडी हो गया। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में, किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Shalom, good time. Good PM.
साधु साधु साधु।